तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DK डिजिटल कैश में जबरदस्त न्यूज के साथ में। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पाई नेटवर्क के बारे में भी। हमारे पास में जो नई अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को यहाँ पर जो पाई नेटवर्क के अंदर जो नेसेसरी चीजें हैं जो कि कंप्लीट होनी चाहिए, तो अभी फिलहाल जिस अपडेट के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, इस अपडेट के अकॉर्डिंग आप सभी के अकाउंट के अंदर जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी KYC एंड इसके बाद माइग्रेशन। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखें। एंड जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आप लोगों को यहां पर सभी लेटेस्ट अपडेट और इसके साथ साथ क्रिप्टो से रिलेटेड नए नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करने का दोस्तों फ्री में आप लोगों को यहां पर मौका जो है वो मिल सके। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर बात करते हैं रीसेंट अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर होम स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर ग्रेस पीरियड का नोटिफिकेशन यहां पर है। ग्रेस पीरियड जो है यहां पर हाईलाइट हो रखा है, इसके बाद यहां पर आप लोग इसे बोला जाए कि कंप्लीट KYC एंड मेन नेट माइग्रेशन। ठीक, यानी कि दोस्तों यहां पर ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो चुका है एंड सभी के लिए यहां पर सबसे पहले मैं ये अनाउंसमेंट और ये चीज क्लियर यहां पर करना चाहूंगा कि भाई जो लोग यहां पर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पाई नेटवर्क के ओपन मेन नेट की लॉन्चिंग का, या जो वैसे तो सभी लोग यहाँ पर एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे लोग जो है वो ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए, या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्साइटेड है कि भाई जल्द से जल्द ये लॉन्च हो, और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी है कि भाई लॉन्च होगा कि नहीं लॉन्च होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ सेकेंड टाइम, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पाई नेटवर्क की वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि भाई यहाँ पर जो डॉक्टर निकोलस है उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर ओपन मेननेट से पहले ये हमारा लास्ट पाई डे है। तो वो एक पहला जो है हिंट था कहीं ना कहीं, जिसमें उन्होंने पूरा एग्जैक्टली क्लियर नहीं बताया था, लेकिन एक हिंट देकर के उन्होंने यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर फिलहाल जो अपडेट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को ग्रेस पीरियड जो है अनाउंस किया गया है, जिसमें आप लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ पर 6 महीने का टाइम है आप लोगों के पास में, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर KYC के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, उन लोगों के पास में यहाँ पर 6 महीने का ये ग्रेस पीरियड है ओपन मेननेट से पहले। अब यहाँ पर जो ये ग्रेस पीरियड मेंशन किया गया है, अब इससे ये चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर होती है कि भाई आपका ओपन मेननेट इस 6 महीने के बाद में यहाँ पर आने वाला है। ठीक, पहली जो अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि भाई ओपन मेननेट से पहले आपका ये लास्ट पाइड है। सेकंड अभी ये हो गया कि भाई आप लोगों का ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर हमने जब अपनी KYC ऑलरेडी अप्लाई की थी लेकिन वो स्टक हो रखी है, या हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी लोगों के मन में सवाल होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा जाएंगे इस चीज़ को देख करके या इस अनाउंसमेंट को सुन करके कि भाई यहाँ पर जो है 6 महीने का टाइम, अगर मेरी KYC यहाँ पर नहीं हुई और रिजल्ट अगर 0 हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब इस पोस्ट के अंदर दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में पढ़ते हैं कि इस अनाउंसमेंट के अंदर दिया क्या है। ठीक है, सो एज स्टेटेड इन द पाई टुडे 2024 अनाउंसमेंट, द 6 month KYC ग्रेस पीरियड एंड इट्स रोलिंग 6 month विंडो, द ग्रेस पीरियड वॉज इनेक्टेड एज ऑफ July 1, 2024 एज डिफाइंड एंड क्लेरिफाइड इन 2021 वाइट पेपर। द ग्रेस पीरियड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ओपन नेटवर्क। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाइनियर्स मस्ट सबमिट देयर इनिशियल KYC आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन विद इन द फर्स्ट 3 months एंड टेक ऑल अवेलेबल एक्शंस टू कंप्लीट देयर KYC एंड मेननेट माइग्रेशन विद इन 6 months। ठीक है, तो यहां पर जो है 1 July से ये ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 6 महीने का ये काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये ग्रेस पीरियड जो है वो इसलिए नेसेसरी है ताकि हम जो है पाई नेटवर्क का जो ओपन मेन नेट है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसकी प्रिपेयरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट की जा सके। ठीक है, तो ऑलरेडी यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर निकोलस है वो अपनी टीम के साथ में यहाँ पर इस 6 महीने के दौरान ओपन नेटवर्क की प्रिपरेशन जो पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ पर जो भी पाइनियर्स जिन्होंने अभी तक KYC के लिए यहाँ पर अपना सबमिट नहीं किया है उन लोगों के पास में ये 6 महीने का टाइम है,
और जिसमें यह बोला जा रहा है कि पाइनियर्स मस्ट सबमिट देयर इनिशियल केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन विद इन द फर्स्ट 3 months, यानी कि इस 6 महीने के ग्रेस पीरियड के दौरान यहां पर जो पहले 3 मंथ हैं उन उस 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की जो केवाईसी है वो सबमिट हो जानी चाहिए। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो और नेसेसरी एक्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वॉलेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इसके बाद में आपका मेननेट के लिए माइग्रेशन, यानी आपके पॉइंट्स जो वहां पर आएंगे उसका माइग्रेशन उसके लिए अप्लाई, यानी कि ओवरऑल जो चेकलिस्ट मैंने आप लोगों के साथ में पहले शेयर करी है वीडियोस के जरिए, वो सारी चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये है वो सारे नेसेसरी टास्क। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो तो आप लोग करते ही हो, डेली बेसिस पर आप लोग यहां पर माइनिंग कर रहे हो, बट इसके अलावा जो आपका वॉलेट के अंदर जो आपका बैलेंस आना है वो डिपेंड करता है कि आपकी केवाईसी हो चुकी हो और इसके साथ साथ आपका जो पूरा चेकलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुका हो। तो इन सभी चीजों के बिहाव पर ही पर आपका टोटल जो है अकाउंट जो है वो कंप्लीट कहलाएगा और इस 6 महीने के दौरान आपकी केवाईसी और जो आपके कॉइन्स है वो आपके वॉलेट के अंदर माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 महीने जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बोलूंगा भाई, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया या आपके टीम मेंबर से अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है, अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आएगा कि भाई अप्लाई तो हम तब करेंगे जब हमारे पास में केवाईसी आएगी। तो भाई जिनके पास में केवाईसी नहीं आई है उनको आप हटा दीजिए, ठीक है। आप लोग सिंपल जो है यहाँ पर वेट करिए केवाईसी के स्लॉट के आने का। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनके पास में केवाईसी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में केवाईसी आ रही है लेकिन स्टिल उन्होंने केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि चलो हम बाद में अप्लाई करेंगे या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये उन सभी लोगों के लिए भाई कि अभी आपके पास में 3 से 6 महीने का टाइम है, अगर आपके पास में केवाईसी स्लॉट आ रहा है तो आप मेक श्योर कि आप अपनी केवाईसी को जो है कंप्लीट कर लो। इसके बाद में यहाँ पर टू मेक दिस इंपॉर्टेंट डेडलाइन सेट एंड क्लियर इन द नियर फ्यूचर वी विल बी रोलिंग आउट न्यू ऐप इंटरफेस इंक्लूडिंग इनिशियली काउंटडाउन टाइमर। तो यहाँ पर ये जो है डेडलाइन जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी है, इसके बाद में यहाँ पर आने वाले भविष्य के अंदर यहाँ पर जो इंटरफेस है पाई एप्लीकेशन का वो भी यहाँ पर चेंज होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर भी जो है यहाँ पर चलेगा ऑन द मेननेट चेकलिस्ट एंड लेटर ऑन अ न्यू बैनर ऑन द होम स्क्रीन पॉपअप्स एक्सेट्रा, ठीक। तो और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को आने वाले समय में दिखने वाली हैं, इंक्लूडिंग आपका पाई यूटिलिटी एप्स जिसमें आप लोग अपने पाई कॉइन्स को जो है यूज़ कर सकते हो सर्विसेज और अदर चीज़ों को परचेज करने के लिए। दिस इंटरफेस अपडेट्स विल हेल्प इन्फॉर्म एंड रिमाइंड पाइनियर्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेडलाइंस वेदर टू डिसबमिट केवाईसी और टू कंप्लीट मिडनाइट माइग्रेशन एंड अर्ग देम टू एक्शन एज सून एज पॉसिबल। सो अभी जो यहाँ पर नया इंटरफेस आएगा ये एक्चुअली हेल्प करेगा सभी माइनर्स को ये इन्फॉर्म करने में और साथ ही साथ इनको रिमाइंड कराएगा कि भाई आप अपनी इस डेडलाइन से पहले पहले अपनी केवाईसी को सबमिट कर दो, ठीक है, और अपनी मेननेट माइग्रेशन को भी आप लोग कंप्लीट कर लो, सो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो ये सब कुछ यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद में दिस ग्रेस पीरियड इंटरफेस फीचर्स विल बी इटरेटेड एंड इंप्रूव्ड अपॉन ओवर टाइम। तो ये जो ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें भी यहां पर कुछ और इंटरफेस जो है कुछ नए फीचर्स के साथ में यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल रिफाइनिंग पॉजेस ऑन टाइमर फॉर स्टक केसेस एंड प्रोवाइडिंग अर्जेंसी लेवल्स फॉर पायनियर्स हु हैव कंप्लीटेड द मेननेट चेकलिस्ट एंड आर फुली माइग्रेटेड दे विल नॉट सी द टाइमर इन द ऐप। यानी कि जो लोग यहां पर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं, जिन लोगों का माइग्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों के पास में इस तरीके का इंटरफेस या ये फीचर जो है वो नहीं शो होंगे क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को शो होगा जिनके पास में केवाईसी जिनकी अटकी हुई है या कंप्लीट नहीं हुई है या फिर जो है मेननेट माइग्रेशन जिनका नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां पर शो होगा। सो इसके बाद में यहां पर टू रीच ओपनमेंट इन 2024 दिस इज द टाइम टू इंटरैक्ट द ग्रेस पीरियड एंड द रोलिंग विंडो द केवाईसी एंड माइग्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी वर्क फॉर द मेजोरिटी ऑफ द नेटवर्क दिस मींस पोस्ट पायनियर शुड बी एबल टू कंप्लीट द केवाईसी एंड द माइग्रेशन ऑन देयर ऑन वेल विद इन द 6 months ग्रेस पीरियड। तो फिरा करके लंबी लंबी बातें यहां पर मेंशन करके यही बोला जा रहा है कि आप अपने केवाईसी जो है यहां पर कंप्लीट करो जिनके पास में केवाईसी आ गई है। अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करूंगा, ऑलरेडी जो है 10 मिनट की वीडियो जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है और मैं मुझे मालूम है कि काफी लोग जो है इससे ज्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। सो मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि लास्ट में आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि यहां पर जिन लोगों की केवाईसी जो है अटकी हुई है, ठीक है, या जो लोग माइग्रेशन का वेट कर रहे हैं कि भाई हमारे जो है वॉलेट के अंदर कब बैलेंस आएगा, तो ये जो दो तरीके के जो अकाउंट्स है या दो तरीके के जो लोग हैं, ठीक है, जिनकी केवाईसी बीच में रुकी हुई है या फिर जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों को इस 6 मंथ के ग्रेस पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर जो काउंट करेगा जो मैटर करता है वो ये करता है कि आपने इस 6 महीने के दौरान अपनी केवाईसी
के लिए अप्लाई किया कि नहीं किया केवाईसी स्लॉट आने के बाद में। तो जो लोग यहां पर केवाईसी में रुके हुए हैं या जिनकी केवाईसी अटकी हुई है, उन लोगों का जो टाइम है वो काउंट होगा, यानी कि जब उन्होंने ऑलरेडी अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई कर दिया था, तो इसलिए वो ग्रेस पीरियड के अकॉर्डिंग यहां पर जो है हाईलाइट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, चिंता करने की बात सिर्फ उन लोगों को है जिनके पास में केवाईसी स्लॉट आ रहा है। इन शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, यानी जिनके पास में केवाईसी स्लॉट आ रहा है और जिन्होंने अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं किया है। जिनके पास में केवाईसी स्लॉट नहीं आया उन लोगों को सिर्फ इंतजार करना है, इसमें 6 महीने का ये ग्रेस पीरियड भी जो है काउंट नहीं होगा। बट हाँ, ये अब जो 6 महीने का ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो चुका है, इससे ये भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, अब जो है और भी ज्यादा केवाईसी स्लॉट्स लोगों को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपन नेटवर्क के अंदर एंट्री की जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जब से यहाँ पर ये ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो भाई सभी के लिए सजेशन कि जल्द से जल्द अपनी केवाईसी कंप्लीट करो, और इसके साथ साथ सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत जल्द जो है बहुत जल्द जो है पाई नेटवर्क ओपन मेननेट के अंदर आने वाला है, इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, और जिसकी अगर हम बात करें तो लगभग दिसंबर के आसपास तक, यानी कि अभी हमारा चल रहा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि इस साल के एंड तक हमें बहुत सारी नई और मतलब जबरदस्त जो है यहाँ पर खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों कंटिन्यू माइनिंग करते रहो, अपने टीम मेंबर्स को सभी को जो है यहाँ पर अवेयर करते रहो इन सभी चीजों के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पर रेगुलर अपडेट जो है बनाए रखो पाई नेटवर्क के बारे में, जिससे कि आप लोग यहाँ पर खुद को भी कन्विंस कर पाओ कंटिन्यू माइनिंग करने के लिए। इसके साथ साथ बाकी अपने जो टीम मेंबर्स हैं उन सभी को आप लोग जो है यहाँ पर कन्विंस कर पाओ माइनिंग करने के लिए रेगुलर। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अभी भी रेगुलर माइनिंग कर रहा हूँ, एंड बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जिन्होंने अपनी केवाईसी के लिए यहां पर अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी केवाईसी यहां पर कंप्लीट करेंगे, एंड इसके साथ साथ यहां पर कंटिन्यूअसली जो है आप लोग माइनिंग करेंगे। इतना ही इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।